इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट प्रिंट सर्विस के बारे में। अगर इस सर्विस में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके लिए जो है सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना होगा। फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे जाना होगा मैनेज ऐप्स पर, तो मैनेज ऐप्स को खोल लेना है। और मैनेज ऐप्स को खोलने के बाद यहाँ पर आपको नीचे चले जाना है। जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये सर्विस दिखाई देगी, डिफ़ॉल्ट प्रिंट सर्विस, इसको खोल लेना है। और यहाँ से इसका क्लियर डेटा पर क्लिक करना है और इसके क्लियर ऑल डेटा पर क्लिक करके इसके सारे डेटा को डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर इस पर अनटिक है तो टिक लगाकर ओके कर दीजिए। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट प्रिंट सर्विस रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।